देखिए, सॉलिड हमारे दो तरीके के होते हैं, क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। आइए इन लोग के डिफरेंस हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो देखिए, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि नाम से ही क्लियर है कि इनके पार्टिकल्स क्या होंगे, प्रॉपर पैटर्न में अरेंज होंगे, है ना, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, नो प्रॉपर पैटर्न, ठीक है। तो इसमें अपना कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं होता है। अगर कहीं पे कोई छोटा सा भी माइन्यूट पैटर्न आपको मिलता भी है तो वो बहुत शॉर्ट रेंज के लिए होता है। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए यहाँ पे चार पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज हैं, है ना, और चार यहाँ पे से अरेंज हैं, चार यहाँ पे से अरेंज है। ये आपस में तो चार चार हैं लेकिन इनका अपना कोई पैटर्न नहीं। देखिए, ये यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे हैं। तो ये चार अगर आप सर्कल को देखेंगे तो यहाँ पे इनका अपना कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और इनको क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्यों, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर तक आप चले जाएंगे किसी क्रिस्टल में तो भी एक प्रॉपर पैटर्न शो करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने अभी ऊपर ये वाला एग्जांपल उठाया था, ऐसे इधर देख लीजिए, ये चार लोग आपस में अरेंज हैं, ये देखिए, है ना। तो ये चार चार लोग तो आपस में अरेंज हैं ही हैं और साथ में इनका भी अपना प्रॉपर पैटर्न है, देखिए, है ना। ये चार चार के ग्रुप में भी अगर आप देखोगे तो इनका भी अपना प्रॉपर पैटर्न है। तो इसलिए इनको हम क्या बोल देंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इन वालों को शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलेंगे। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ये क्या होते हैं, शार्प होते हैं। शार्प का मतलब जो टू द पॉइंट, मान लीजिए किसी का मेल्टिंग पॉइंट 600 डिग्री सेल्सियस है तो 600 पे ही पूरा मेल्ट कर जाएगा। क्योंकि तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको एक रेंज मिल जाती है, यहाँ पे आपको एक रेंज मिलती है मेल्टिंग पॉइंट की। इनकी हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, फिक्स होती है, डेफिनेट होती है। इसमें क्या होता है, नो फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या कहते हैं, एन आइसोट्रॉपिज्म शो करते हैं, एन आइसोट्रॉपिज्म। और ये क्या शो करते हैं, आइसोट्रॉपिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो चेंज हो जाती हैं, जबकि एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता है। तो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि, है ना, तो ये प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी अगर आप इनकी डायरेक्शन को चेंज करते हो, आप इनको रोटेट कर देते हो तो। जबकि एमॉर्फस के केस में अगर आप एमॉर्फस सॉलिड को रोटेट करेंगे, उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, तो इनकी इन प्रॉपर्टीज में कोई भी अंतर आपको नहीं दिखेगा। तो याद रखना है कि क्रिस्टलाइन एनआइसो प्रॉपर्टी शो करेगा, एनआइसोट्रॉपिज्म शो करेगा, और एमॉर्फस आइसोट्रॉपिज्म शो करेगा। नेक्स्ट क्या है, क्लीवेज विथ नाइफ। इसको आप अगर नाइफ से कट करेंगे क्रिस्टलाइन को तो इसमें आपको स्मूथ सरफेस मिलेगा, जबकि इसमें क्या होगा, रफ सरफेस आपको मिलेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा नाम क्या होता है, ट्रू सॉलिड, जबकि इसका नाम क्या होता है, स्यूडो सॉलिड। एंड दूसरा इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये हो जाता है हमारा डिफरेंस सॉलिड का, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन। इनको आप अगर क्लासिफाई करते हैं तो ये आयोनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, और सबसे लास्ट में हमारा हो जाता है मेटैलिक सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने हुए होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन से मिलकर बने हुए होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए NaCl, KCl, है ना, LiCl, बहुत सारे। तो इनके MPBP क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होंगे, है ना। वाटर सॉल्युबल होंगे, है ना, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वो करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होंगे कब, एक्वस स्टेट में और मोल्टेन स्टेट में। तो देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर क्लासिफाइड है।
नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन से आ जाएंगे? वो मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर होते हों, जैसे कि मीथेन, है ना, और एटम्स भी इसमें आएंगे, जैसे कि हीलियम, नोबल गैसेस, नियॉन, ये सारे नोबल गैसेस जितने भी सब इसी में आ जाएंगे। N2 हो गया, और O2 हो गया, ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएंगे। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपके जैसे कि आप ले लीजिए यहाँ पे HCHO हो गया, HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड हो गया, HCl, SO2, ये सारे इस तरीके के सब्सटेंस जो पोलर हों वो आ जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डेड में वो आएंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हो, जैसे कि हमारा HF है, H2O है, है ना, अमोनिया है, ये सब लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में नेटवर्क सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड, इसमें वो कोवेलेंट कंपाउंड आते हैं जिनमें नेटवर्क बनता हो। फॉर एग्जांपल के लिए डायमंड है ना, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, और सिलिकन के कंपाउंड जैसे कि सिलिकन कार्बाइड, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। फिर सबसे लास्ट में हमारा कौन सा जाता है? मेटैलिक सॉलिड। तो मेटैलिक सॉलिड में सारे मेटल्स इनका एग्जांपल हो जाएंगे ना, कोई सा भी मेटल आप उठा लीजिए, कॉपर, आयरन, ये सारे मेटल की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही इसमें रहेंगे। सोनरस हैं, मेलिएबल हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं, थर्मल कंडक्टर हैं, वही सारी प्रॉपर्टीज़ मेटैलिक सॉलिड में आ जाएंगे। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का।